भैया नुकसान हो गया, ये देखिए जी हमारा दूध फिट गया, ये देखिए हमारा दूध खराब हो गया जी, आज हम चाय नहीं पी सकते, हमारा दूध रात का लिया हुआ था और हमने यही रखा हुआ था दूध, मैंने कहा ठंड है खराब नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, हमारी दुआ होती है। देश परदेश से जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज संडे का दिन है तो बच्चे माशाल्लाह घर में ही है और हम आज बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, तकरीबन हम 8 बजे बिस्तर से निकले हैं और अब तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी जी घर के काम भी शुरू करने, नाश्ता भी बनाना, सब आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके। और जी चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अल्लाह का प्यारा सलाम। प्यारे दोस्तों मिट्टी जो है ना बार बार ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है, नरम नरम सी हो जाती है, इसीलिए हमने ना रेत वगैरह भी यहाँ डलवाई है, लेकिन कमरे में तो फिलहाल रेत नहीं डली हुई, तो हमने सिर्फ यहाँ मिट्टी ही लेप करवाया था, वो सारा फट चुका है। तो ये जैसे हल्का सा पानी खुश्क होता है ना तो मैं सफाई करती हूँ, ये रोज का हमारा काम है, लेकिन रोज ही इतना जो है ना मिट्टी जो है वो निकल आती है। अहमद आप वापस भेज दो भाइयों, आज बर्तन वाला टोकरा लाजमी ले आएंगे, क्योंकि हमारे बर्तन जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बर्तन हमारे से रुल रहे हैं चारपाई के नीचे। टोकरा लेकर आते हैं, टोकरे में सारे बर्तन वगैरह रखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर बर्तन हमारे जो है महफूज हो जाएंगे। तो आज जाती हूँ बाजार, थोड़ा सा मुझे काम भी है। प्यारे बहन भाइयों, कल तो बहुत ज्यादा हवा थी, आज ठंडी हवा बहुत कम है ना, कल तो तूफानी हवाएं थी, शुक्र अल्लाह पाक का जी हवा कम हो गई है, लेकिन सर्दी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई, ऐसे लग रहा है दिसंबर की सर्दी दोबारा आ गई। नहीं मोहम्मद, ये देखो मियाओ, देखो ये देखो, मैं चूल्हा जला रही हूँ, ठीक है मोहम्मद को ना बैठ के पास लेके बैठ के और नीचे ना उतरने देना। हाँ जी, इसके अंदर देखो बिल्ली है, इतनी बुरी बिल्ली है। काम तो जी होते रहेंगे, बच्चों के लिए नाश्ता जल्दी जल्दी बना लें, आज बहुत ज्यादा लेट उठे हैं हम लोग। अच्छा ये देखो ये कौन है, सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा देर चूल्हा जला ले, दोपहर को तो फिर माशाल्लाह सूरज निकल आएगा जोर का, फिर यानी कि हो जाएगा कमरा गर्म हमारा, अभी तो फिलहाल बहुत सर्दी है। भैया नुकसान हो गया, ये देखिए जी हमारा दूध फिट गया, ये देखिए हमारा दूध खराब हो गया जी, आज हम चाय नहीं पी सकते, हमारा दूध रात का लिया हुआ था और हमने यही रखा हुआ था दूध, मैंने कहा ठंड है खराब नहीं होगा, तो मुझसे गलती हो गई, हमने काढ़ा नहीं था ना दूध, दुकान वाला ही दूध था, तो खराब हो गया, क्या कर सकते हैं।
चले जी फेंक देते हैं, आज हमारे नसीब में चाय नहीं है। ये सारा पीता हुआ दूध ये बाद में धोते हैं आकर पूरा पूरा। अभी जो है बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ जी। माशाल्लाह मैं रोटी डाल रही हूँ चूल्हे पर और बच्चे बड़ा हंस रहे हैं मेरे ऊपर। बच्चे कह रहे हैं, ज्यादा अहमद कह रहे हैं, मम्मा चाय नहीं होगी, अब नाश्ता कैसे करोगी? तो मैंने कहा बेटा कर लूंगी। दोस्तों मम्मा ना अभी सारा दिन अब डांटती रही क्योंकि चाय नहीं है, गुस्से में दिमाग घुमा रहेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी भी मैं नशाई नहीं हूँ चाय की जितना मुझे बना रहे हो। असल में ना अगर चाय ना मिले ना तो सर में दर्द होता है। नहीं कोई मसला नहीं, अभी हम नाश्ता करते हैं, फिर अहमद खान दूध लेकर आएगा, हाँ, फिर हम चाय बनाएंगे। कैसा यार, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मां नाश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज चाय की कमी है, मुझे भी आदत हो गई है चाय की। हाँ चल बस फातिमा मम्मा को लाओगी क्या? सारी सफाई मैंने यहाँ से कर ली है, वहाँ तक ना रेत काफी सारी उठा के मैंने फेंकी है पीछे, और अब ये उठाते हैं इसी बाल्टी से उठा रही हूँ रेत की ना। मोहम्मद को जी सर्दी लग रही है, ठंडी हवा है, लेकिन धूप में मजा आ रहा है बैठने का। हाँ मेरी जान शाबाश मेरा बेटा, बर्तन खोलो, यहाँ नहीं रखो ना, आगे करके रखो। यहाँ कहाँ रख रही हो आप? आगे करके रखो, चौकी ले आओ, चौकी पे बैठ के धोना बर्तन। शाबाश है मोहम्मद, आपने भी बर्तन धुलवाने हैं फैना के साथ हैं? बताओ आप बर्तन धुलवाओगे? ये तो जी भाग भाग के बर्तन धुलवाने के लिए जाता है मेरा बेटा, है ना मोहम्मद साईं? मोहम्मद शाही ले आओ, ले आओ, शाबाश, बर्तन इकट्ठे करो, चौकी भी ले आओ। ये जो नलका है साफ सुथरा हो गया है, फादर ने बर्तन धो के रख दिए, रो पीट के बर्तन धोए। हाँ तो मैं क्या करूँ, देखिए ना दोस्तों जब संडे होता तब भी काम करें, क्या करें। तो छोटा सा भाई है मेरे पास इसका, तो मैंने उसको उठाया होता है, कुछ ना कुछ करवाना तो होता है, फिर बच्चों ने हेल्प करवानी होती है मम्मा के साथ। ये देखे जी माशाल्लाह अहमद ने यहाँ से सारी रेत उठा ली है, रेत मैंने यहाँ थोड़ी सी उठाई थी। हाँ बेटा संडे के मजे उठाओ, खुश होते मम्मा, संडे है संडे है संडे है। हमें परेशान करती रहेगी, खाने में रेत, बर्तनों में रेत, कपड़ों में रेत, बिस्तरों में रेत, रेत की रेत, रेत ही रेत। असल में यहाँ पे रेत थी ही नहीं, मटी थी, हमने खुद ये रेत डलवाई है। लोग देखते होंगे कहते होंगे बाजी ऐशा कोई डेजर्ट पे रहती है, पत्नी कहाँ रहती है जो इतनी रेत है। हम डेजर्ट में नहीं रहते दोस्तों, हम रोही में रहते हैं। हाँ लोग कहते होंगे रोही में रहती है बाजी ऐशा।
तो अच्छा जी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। दोपहर का खाना हम फिर लेट ही खाएंगे क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ, मस्त से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे दोस्तों। जो चैनल पर नया आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वापस बिल्कुल ना जाएं। आप हमारी मदद करें, अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाया नहीं फरमाते। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।